हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी एस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है 12 अगस्त 2024 के 20+ एमसीक्यू करंट अफेयर्स और उसके आंसर पे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज का जो पहला प्रश्न है कि पॉल कागामे ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? ऑप्शन ए केन्या, ऑप्शन बी रवांडा, ऑप्शन सी अर्जेंटीना और ऑप्शन डी तुर्की। तो प्रश्न संख्या एक का सही जवाब हो जाएगा पॉल कागामे हाल ही में रवांडा के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। तो प्रश्न संख्या एक का सही जवाब ऑप्शन बी रवांडा। प्रश्न संख्या दो है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन से पीटी उषा, ऑप्शन बी अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन सी योगेश्वर दत्त और ऑप्शन डी दिनेश फोगाट। तो प्रश्न संख्या दो, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष अभिनव बिंद्रा को चुना गया है। अभिनव बिंद्रा पहले ऐसे भारतीय एथलीट है जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक्स में। प्रश्न संख्या तीन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ यूपीआई सेवा शुरू करने के लिए समझौता किया है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी मालदीव और ऑप्शन डी मलेशिया। तो प्रश्न संख्या तीन का सही जो हो जाएगा ऑप्शन सी मालदीव। भारत ने मालदीव के साथ यूपीआई सेवा शुरू करने के लिए समझौता किया है। प्रश्न संख्या चार है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? ऑप्शन से 70वें, ऑप्शन बी 71वें, ऑप्शन सी 72वें और ऑप्शन डी 73वें। तो प्रश्न संख्या चार, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में 71वें स्थान पर रहा है। प्रश्न संख्या पाँच है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने जीते सर्वाधिक मेडल? मतलब भारत पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक मेडल जीते हैं? ऑप्शन से यूएसए ने, ऑप्शन बी चीन ने, ऑप्शन सी फ्रांस ने और ऑप्शन डी जापान ने। तो प्रश्न संख्या पाँच का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यूएसए ने। प्रश्न संख्या छः है कि हाल ही में भारत का कैबिनेट सचिव किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन से नृपेंद्र मिश्रा, ऑप्शन बी राजीव सिन्हा, ऑप्शन सी रविशंकर प्रसाद और ऑप्शन डी टीवी सोमनाथन। तो प्रश्न संख्या छः का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी टीवी सोमनाथन को। प्रश्न संख्या सात है कि विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन से 10 अगस्त, ऑप्शन बी 11 अगस्त, ऑप्शन सी 12 अगस्त और ऑप्शन डी 13 अगस्त। तो प्रश्न संख्या सात, विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है अर्थात आज ही। प्रश्न संख्या आठ है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन से 10 अगस्त, ऑप्शन बी 11 अगस्त, ऑप्शन सी 12 अगस्त और ऑप्शन डी 13 अगस्त। तो प्रश्न संख्या आठ, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को ही मनाया जाता है। तो प्रश्न संख्या आठ का सही जवाब ऑप्शन सी 12। प्रश्न संख्या 13 है, सिक्किम के संजय सुबह, अनीता सुबह और जितेंद्र लिंबू कहां पर आयोजित 7वीं हीरोज इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? ऑप्शन से बैंकॉक, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क और ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बैंकॉक। प्रश्न संख्या 10 है, पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग सितंबर महीने में किस राज्य में शुरू होगी? ऑप्शन से पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़।
प्रश्न संख्या 10, पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग सितंबर महीने से हरियाणा राज्य में शुरू होगी। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा से काफ़ी खिलाड़ी खेलते हैं खेल, और हरियाणा के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नवदीप सिंह सैनी हैं। प्रश्न संख्या 11 है कि कौन सी राज्य सरकार लड़की बहन योजना की जुलाई और अगस्त महीने की किस्त 17 अगस्त को लाभार्थियों के खाते में जमा करेगी। ऑप्शन से पंजाब, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब ऑप्शन बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे हैं और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। महाराष्ट्र में सर्वसंख्या सर्वाधिक है, और महाराष्ट्र का जो शहर है मुंबई, जो महाराष्ट्र की राजधानी है, वो सबसे बड़ा शहर है भारत का। प्रश्न संख्या 12 है कि किस राज्य के बारामूला जिले में आयोजित सांस्कृतिक उत्सव पसुर रिवाज में 10,000 युवतियों ने कश्मीरी लोक नृत्य प्रस्तुत कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन से जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। प्रश्न संख्या 13 है कि महिला क्रिकेट में T20 श्रृंखला के तीसरे और अंतिम मैच में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश को 7 विकेट से हराकर 3-0 से श्रृंखला जीत ली है। ऑप्शन से स्पेन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जर्मनी और ऑप्शन डी फ्रांस। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी भारत। प्रश्न संख्या 14 है, राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे 28वें दिल्ली पुस्तक मेले न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर का समापन कब हो गया है। ऑप्शन से 10 अगस्त, ऑप्शन बी 11 अगस्त, ऑप्शन सी 12 अगस्त और ऑप्शन डी 13 अगस्त। तो प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब ऑप्शन बी 11 अगस्त रविवार को राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे 28वें पुस्तक मेले का समापन हो गया है। प्रश्न संख्या 15 है कि हाल ही में नटवर सिंह का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वे कौन थे। ऑप्शन से अर्थशास्त्री, ऑप्शन बी राजनीतिज्ञ, ऑप्शन सी शिक्षाविद और ऑप्शन डी वैज्ञानिक। तो प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब हो जाएगा हाल ही में नटवर सिंह का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे भारत के प्रमुख राजनीतिज्ञ थे और वे भारत के पूर्व विदेश मंत्री भी रह चुके हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी। प्रश्न संख्या 16 है कि हाल ही में किस देश के डिक्कन विश्वविद्यालय ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किया है। ऑप्शन से स्पेन, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी जर्मनी और ऑप्शन डी फ्रांस। तो प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न संख्या 17 है कि IICA में अग्रणी कार्यकारी खोज फर्मों के साथ गोलमेज परामर्श बैठक की अध्यक्षता किसने की। ऑप्शन से मनोज सिंह ने, ऑप्शन बी डॉक्टर अजय भूषण पांडे ने, ऑप्शन सी डॉक्टर नरेश गुप्ता ने और ऑप्शन डी शांतनु झा ने। तो प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब ऑप्शन बी डॉक्टर अजय भूषण पांडे ने। प्रश्न संख्या 18 की भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता, इस टीम के कप्तान कौन है। ऑप्शन से PR श्रीरजेश, ऑप्शन डी हरमनप्रीत सिंह, ऑप्शन सी हार्दिक सिंह और ऑप्शन डी मनप्रीत सिंह। तो प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब ऑप्शन बी हरमनप्रीत सिंह, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है जिन्होंने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। प्रश्न संख्या 19 है कि हाल ही में किसने 109 उच्च उपज देने वाली फसलों की किस्में जारी की है। ऑप्शन से डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी ने, ऑप्शन सी अमित शाह ने और ऑप्शन डी अनुराग ठाकुर ने। प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब ऑप्शन बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने।
प्रश्न संख्या 20 है कि तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन से द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह और ऑप्शन डी शिवराज सिंह चौहान। तो प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू को। प्रश्न संख्या 21 है कि भारत के सहयोग से किस देश में 3 प्रमुख पेट्रोलियम परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन से श्रीलंका, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन से नेपाल और ऑप्शन डी भूटान। प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब ऑप्शन सी नेपाल। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था 12 अगस्त 2024 के 20+ MCQ करंट अफेयर्स और उसके आंसर। तो आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप इस चैनल पर अपडेट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।